हेलो जी आप सब कैसे हो मैं हूँ आरती स्वागत है आपका मेरी किचन में आज हम बनाएंगे दो गिलास दूध से बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बिना खोया बिना मावा के इसके लिए मैंने लिए एक किलो गाजर वन केजी और इन्हें अच्छे से धो लिया है धोने के बाद मैं अभी इन्हें छील लेती हूँ इन्हें छील लेंगे अच्छे से बिना खर्चे का हलवा बनाएंगे कुछ भी खर्चा नहीं आएगा ना ड्राई फ्रूट्स का ना किसी चीज का बस आप देखते जाइए और रेसिपी पूरी देखिएगा रेसिपी पसंद आए तो इतनी जरूर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा बेल आइकन को दबाइएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और जो इसका गाजर का हार्ड पार्ट होता है सफ़ेद सफ़ेद सा जो होता है इसमें पीला पीला सा ये हम निकाल देंगे क्योंकि ये कड़वा होता है और इसकी वजह से गाजर कड़वी हो जाती है और ये कलर भी नहीं अच्छा आने देता है गाजर के हलवे में तो हम इस सभी गाजर को इस तरीके से काट कर साफ़ कर लेंगे और ये इसका बेकार वाला पार्ट जो होता है वो निकाल देंगे और अब एक कुकर लेंगे कुकर में हम गाजर को डाल लेंगे सभी गाजर को डाल लेंगे आज मैं ये बहुत मस्ती सी मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ क्योंकि मैंने बनाया इस तरह से गाजर का हलवा तो बड़ा टेस्टी लगा तो आपके लिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं अब इसमें डालेंगे हम दो गिलास फुल क्रीम वाला ये दूध है और ये भैंस का दूध है इस मलाई के साथ ही हम इसमें डाल देंगे सारा दूध और इसमें लगाएंगे हम दो सीटियाँ दो सीटी में ये अच्छे से बिल्कुल उबल के तैयार हो जाएगा गजर कलवा बनाने से एक फायदा है कि ना तो ज़्यादा इसे घिसना घिसने में ही सबसे ज्यादा हाथ दर्द होने लग जाते हैं अब देखिए दो सीटी के बाद ये अच्छे से गल गया है और मैं चमचे से भी फोड़ के दिखा रही हूँ आपको मैंने इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लिया सभी को निकाल लिया है तो चमचे से भी आप फोड़ सकते हैं अगर मैशर नहीं है आपके पास और मैशर तो आजकल सभी के पास होता है वैसे तो और मैशर से तो बहुत जल्दी मैश हो जाता है और ये जो हम घिसते हैं ना गाजर को और कई बार हमारा वो कद्दूकस होता है वो हमारी उंगलियों में लग जाता है उस वाली परेशानी से हम इस तरह से बना मतलब गाजर का हलवा बनाएंगे तो बच जाएंगे अच्छे से ये मैश हो गया तो अब एक कढ़ाई में मैंने एक चम्मच बड़े वाली देसी घी डाल लिया है और थोड़े से ये मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ बादाम है और मेरे पास और कोई ड्राई फ्रूट्स था नहीं आज घर में तो मैंने मूंगफली को ही रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स की शेप दे दी है और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है यकीन मानिए साबुत मूंगफली डालेंगे तो वो कई बार दांतों में अटक जाती है बड़े बूढ़ों के बड़ी दिक्कत होती है और आप इस तरीके से मूंगफली को रोस्टेड करके डालेंगे अच्छे से मतलब फोड़ के तो दिक्कत नहीं होगी अब इसमें डालेंगे हमने जो ये गाजर अच्छे से मैश किया है और ये गाजर का कलर इसलिए अभी वाइट व्हाइट लग रहा है जैसे जैसे गाजर को हम भूनते जाएंगे थोड़ा सा ये गाजर का हलवा भुनेगा तो गाजर अपना रंग देने लग जाएगी अभी दूध का कलर चढ़ा हुआ है इस पर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट लग रही है ये अपने आप रेड होने लग जाएगी और जितना आप इसे पतला रखना चाहते हैं इतनी देर तक बस मुश्किल से दस मिनट लगते नहीं है अब इसमें डाल देंगे एक कटोरी भर के चीनी क्योंकि अभी गाजर कम मीठा आ रहा है एकदम से बढ़िया वाली गाजर नहीं आ रही है मीठे वाली इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे मुझे लग रहा है कि ये चीनी कम पड़ेगी तो मैं इसमें आधा कटोरी चीनी और डाल रही हूँ और देखिए धीरे 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 गाजर का जो हलवा है ये अपना कलर चेंज कर रहा है और रेड हो जाएगा ये दस मिनट हम इसे भून लेंगे अच्छे से स्लो फ्लेम पर भूने या मीडियम मीडियम फ्लेम पे भूलिएगा स्लो फ्लेम पे तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये अपने आप टाइट होते जैसे जैसे जाएगा तो गाजर अपने आप रेड होती चली जाएगी और एकदम से इस इस तरह का टेक्चर आ जाएगा गाजर के हलवे का और जो भी खाएगा कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने इसमें खोया डाला है नहीं डाला है क्योंकि जो दूध इसके अंदर फूका है ना मतलब जल गया है अच्छे से भूनते भूनते वो बिल्कुल खोए की फॉर्म में आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम खर्चे से बना के तैयार करेंगे आप इस हलवे को हलवाई के हलवे को छोड़िए घर में इस तरीके से बनाई क्योंकि हलवाई तो लोकल बेकार से खोए हुए इसे बनाते हैं आप बिल्कुल असली ओरिजिनल खोए से बनके ये तैयार हुआ है हलवा अब हम मैं इसे सर्व कर देती हूँ आप इसे थोड़ा और टाइट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और भून सकते हैं इस हलवे को इस तरीके से हम इसे सर्व कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में मेरा मन अभी से कर रहा है खाने का पूरी मस्ती में आज मैंने वीडियो बनाई है भी सोचेंगे कितना बोलती है लेकिन ये हलवा बनके तैयार हो गया खाइए बनाइए खिलाइए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा बाय फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिप